Hello bacho, Assalamu alaikum and very good morning to all of you. Welcome to Shahid Sir's Education Point. This class is for class 5th semester and my dear, today our topic is very important topic. It can be asked as very short answer, short answer and long answer. शॉर्ट आंसर कैसे आएगा सिंपली आपको बताना है कि रूसा का मतलब क्या है और ये रूसा जो है ये किस एजुकेशन के लिए है इसी तरह रमसा भी आ सकता है तो ये इन पॉइंट्स को आप दिमाग में रखेंगे बेटा जब हम रमसा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आना चाहिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है फॉरवर्ड सेकेंडरी एजुकेशन और जब हम रूसा की बात करते हैं इट्स ऑल्सो ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बट द एम इज़ टू प्रोवाइड डेवलपमेंट फॉर वर्ट हायर एजुकेशन राइट तो ये क्वेश्चन आ सकता है या ये भी आ सकता है रूसा की फुल फॉर्म क्या है तो रूसा की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ये हिंदी टर्मोलॉजी है राइट right? इसी तरह रमसा में इसी तरह रमसा में क्या है राष्ट्रीय मध्यमिक शिक्षा अभियान या और एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रमसा एंड रूसा ओके okay, रमसा मैंने अच्छी तरह से आपको पढ़ाया रूसा आज हम पढ़ने जा रहे हैं तो दोनों में जब आप डिफरेंस देखोगे तो आपको इजीली समझ आएगा कि रमसा की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंडरी एजुकेशन है और रूसा की बात अगर हम कहेंगे तो हायर एजुकेशन की बात करती है ठीक है बेटा तो जस्ट स्टे विद योर शायद सर एंड आई एम गोइंग टू क्लियर यू वॉट रूसा इज और हाँ कल ही मैंने आपको बताया था कि रूसा के अंदर आपको तीन चीज़ें पढ़नी हैं इसका बैकग्राउंड ऑब्जेक्टिव्स एंड फंडिंग दीज थ्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर तो जितने भी पॉइंट्स मैंने रमसा में बताए वो सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और अगर आपको मोर डिटेल चाहे तो नोट्स में अवेलेबल है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं अगर किसी को नोट्स चाहिए मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं आप डायरेक्टली नोट्स पे जा सकते हो एंड यू कैन बाय दैट नोट्स ओके आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर देट माई डियर तो जो नोट्स है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है बेटा एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर स्टडीज़ तो चलते बेटा फोकस करते हैं आज के टॉपिक पे. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हाँ ये अगर हम लॉन्ग आंसर की बात करेंगे चांसेस बनते हैं बेटा ये रूसा जो है लॉन्ग uh, आंसर आ सकता है कैसे आ सकता है रूसा को बड़ी डिटेल में uh, लिखना है कि रूसा सिक्किम सेंट्रल सिक्किम इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं इसका बैकग्राउंड भी लिखना इंट्रोडक्शन तो आप लिख रहे हैं बैकग्राउंड भी लिखना है ऑब्जेक्टिव्स भी लिखने हैं और फंडिंग भी लिखनी है ठीक है तो इतना मतलब ये लॉन्ग आंसर चांसेस आते कि ये लॉन्ग आंसर आता है तो लॉन्ग आंसर में आप इतना ही नहीं लिख सकते है. ये वेरी शॉर्ट आंसर में आ सकता है सॉरी शॉर्ट आंसर में आ सकता है ठीक तो चलते हैं बेटा स्टार्ट करते हैं जिस तरह मैंने आपको कहा था कि रमसा जो है इसका जो बैकग्राउंड अगर हम बताएंगे बैकग्राउंड के बारे में या फिलहाल हम इंट्रोडक्शन में चलते हैं रूसा ओके आर यू एस ए रूसा तो रूसा का मतलब क्या है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हो गया एक पॉइंट बिल्कुल इसी तरह आपको पॉइंट बाई पॉइंट लिखना है वल्ला बहुत ही ज्यादा मजा आएगा हाँ हालांकि नोट्स पे ऐसे मैंने नहीं लिखा है कि आपको समझाने के लिए जब हम आपको इस तरह से समझाएंगे ना नोट आप जो भी पढ़ोगे बुक आप जो भी पढ़ोगे वल्ला आपको ईजिली समझ आएगा कि वॉट एक्चुअली रूसा इज नंबर सेकंड पे अगर नंबर सेकंड पॉइंट पे अगर हम आते हैं इट्स आल्सो कॉल्ड नेशनल हायर एजुकेशन मिशन ओके जिस तरह नेशनल सेकेंडरी एजुकेशन मिशन रमसा तो इट इज नेशनल हायर एजुकेशन मिशन तो पॉइंट नंबर सेकेंड इज क्लियर ओके वेरी सिंपल वेरी सिंपल एंड रूसा क्या है सर इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सो नाइस यू ये क्या है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या हॉलिस्टिक स्कीम ऑफ डेवलपमेंट लेकिन किस चीज की डेवलपमेंट हायर एजुकेशन की डेवलपमेंट देखो इससे पहले हमने हायर एजुकेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे फाइनेंस को लेकर क्वालिटी कंट्रोल को लेकर एंड सो मनी डिफ़िकल्टीज देयर सो मनी प्रॉब्लम्स वैर देयर तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया एक स्कीम लॉन्च की जिससे मेन टारगेट क्या था इस स्कीम से कि हायर एजुकेशन को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं चाहे वो एनरोलमेंट रैशो की बात हो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो फंडिंग फंड्रैटिक फंडस की बात हो ये सारी चीज़ें मतलब सारी चीज़ों को दूर करने के लिए एक स्कीम तैयार की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा

March 2009, but here you have to remember it was launched in 2013 by MHRD, Ministry of Human Resource Development. जो Ministry of Human Resource Development है, according to as per the National Policy of Education 2020, इसका नाम change किया गया. तो मैंने आपको already इसके बारे में कहा है. अगर आपको पता है, तो comment section में जरूर बताएगा कि Ministry of Human Resource Development इसको हम आज किस नाम से मतलब बोलते हैं कौन सा नाम है इसके अगर ये मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आज उसको क्या कहते हैं ठीक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा हाँ वो ब, वो जरूर बताएगा जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को सुना होगा देखा होगा अच्छे से देखा होगा ठीक है ओके नंबर नंबर नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूसा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एम्स एट प्रोवाइडिंग स्ट्रैटेजिक फंडिंग टू हायर एजुकेशन थ्रू आउट द कंट्री सोना ऐसा फू तो एम इसका मेन मकसद क्या है रूसा का कि फंडिंग को मतलब प्रोवाइड करे स्ट्रैटेजिक फंडिंग वेरी वेल प्लान स्ट्रैटेजिक फंडिंग को uh, मतलब प्रोवाइड करे किसको को हायर एजुकेशन को थ्रू आउट द कंट्री थ्रू आउट द कंट्री तो कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं बेसिकली ये फंडिंग मतलब फ्लो कैसे होती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट राइट तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देगी और फिर स्टेट गवर्नमेंट फिर जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उस इस, इसको वो प्रोवाइड करेगा तो ऐसे ही फंडिंग प्रोसेस फ्लो हो जाती है ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली मतलब हायर एजुकेशन को नहीं देती है सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फंडिंग टू द स्टेट एंड एन स्टेट टू दा तो और एक पॉइंट और एक पॉइंट है जो फंडिंग स्ट्रेटी हाँ इसमें हम यहाँ पे वो बात नहीं करेंगे इंट्रोडक्शन में आपको बेटा इन चार पॉइंट्स को याद रखना है वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो जब ये चार पांच पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाए और हाँ और एक टारगेट था और एक टारगेट था कि टारगेट जो था इसका कि कॉलेज सो फार एज कॉलेज डेवलपमेंट इज कंसर्न कितने कॉलेज को कवर करना है या इसके जो रूसा का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो एनरोलमेंट रैशो के बारे में था और जब आपको जब अब आप रूसा डिटेल में पढ़ोगे तो आपको फिर ये भी पता चलेगा कि कितने कॉलेजेस को डेवलप किया कितने अंडर प्रोसेस है कितने अभी काम कर रहे हैं तो ये भी ये सब कुछ हम मतलब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे थे ठीक है तो यहाँ पे जो रूसा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट तो हो गया और एक पॉइंट जो मैं भूल गया था जब रमसा भी हमने पढ़ा ठीक है रमसा को भी हमने पढ़ा अब रूसा पढ़ रहे हैं लेकिन माय डियर एक एक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे वो ये है कि प्राइमरी एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे तो प्राइमरी एजुकेशन में बेटा आपका जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है व्हाट इज दैट दैट इज एस एस नाइस सोना यू सर्व शिक्षा अभियान अब सेकेंडरी एजुकेशन के लिए आपको क्या है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए आपको है रमसा तो 2018 में बेटा ये से इंफॉर्मेशन है वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये पूछा जाएगा क्योंकि रमसा भी है आपके सिलेबस में रूसा भी है तो पूछा जा सकता है 2018 में एक और एक मिशन प्रिपेयर किया गया था जिसमें अमलगमेशन ऑफ फोर फोर थिंग्स वॉज दैट नेशनल एजुकेशन मिशन नेशनल एजुकेशन मिशन ये जो नेशनल एजुकेशन मिशन है इसमें चार चीजों को मिलाया गया वन इज एस एस ए सर्व शिक्षा अभियान प्लस रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ओके रूस एस एस ए रमसा प्लस प्लस लिटरेसी मिशन लिटरेसी मिशन मनमोहन सिंह द्वारा तो भारत uh, शिक्षा अभियान या साक्षार भारत मिशन साक्षार भारत मिशन मनमोहन सिंह के द्वारा क्रिएट uh, किया गया और फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर टीचर एजुकेशन देखो कितनी चीजें आ गई प्राइमरी एजुकेशन में ऐसे ऐसे सेकेंडरी एजुकेशन का रमसा और लिटरेसी मिशन यानी साक्षार भारत मिशन एंड देन यू हैव सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर टीचर एजुकेशन इन सभी चीजों को मिलाया गया और नाम रखा नाम रखा समग्र शिक्षा अभियान या yeah. समग्र समग्र शिक्षा अभियान ओके ये एसएसए यहां पे समग्र शिक्षा अभियान जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन मिशन और ये कब बनाया गया टू लॉन्च कब किया गया 2018 में बेटा ये याद रखना तो दिस इज दिस वाज एन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी ये नोट्स में नहीं लिखा होगा तो ये आपको यहां से ही नोट no डाउन करना होगा ठीक है बेटा सो so नाइस nice. ओ ओके तो जब हम अब रूसा की बात इंट्रोडक्शन तो हो गया अलहमदल्ला इंट्रोडक्शन के बाद तीन चीजें जो आपको याद रखनी है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीन चीजें वन इज द बैकग्राउंड ओके नोट्स पे बिल्कुल ऐसे लिखा गया है वन इज बैकग्राउंड बैकग्राउंड का मतलब है क्यों रूसा रू, रूसा के पीछे क्या राज है देखो राज इतन, बिल्कुल सिंपल है बिल्कुल सिंपल है एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाएंगे जब आप पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इनशाला तो रूसा का जो मेन मकसद है देखो इससे पहले रूसा से पहले ऑलरेडी दो सिकीम को डेवलप किया गया था तो प्राइमरी एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने के लिए के 6 से चौदह साल के बच्चों को एजुकेट कराओ एजुकेशन फॉर ऑल स्कीम राइट तो ये बैकग्राउंड था कि इससे पहले प्राइमरी एजुकेशन में एस एस आ गया था अब उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन में रमसा आ गया था ठीक है तो इसका मतलब है एजुकेशन के अंदर जितने भी स्टेज है हर किसी स्टेज में एक एक स्कीम को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को लॉन्च किया गया तो नाउ इट वॉज द टर्न फॉर हायर एजुकेशन सो दिस इज द मेन बैकग्राउंड बिहाइंड वट रूसा की रूसा क्यों वाई रूसा बिकॉज ऑलरेडी प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी स्कीम थी सेकेंडरी के लिए भी स्कीम थी अब अब किसके लिए स्कीम बननी थी जाहिर सी बात है अब हायर एजुकेशन के लिए भी स्कीम को बनना था तो दैट इज वाई इट इज रूसा आई होप बेटा तो ये चीजें ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि इसका बैकग्राउंड सिर्फ इतना ही है क्योंकि ऑलरेडी प्राइमरी के लिए भी स्कीम थी सेकेंडरी के लिए भी स्कीम थी अब इट वाज द टर्म फॉर व्हाट हायर एजुकेशन सो दैट इज वाई दिस इज द बैकग्राउंड एंड सेकेंड पॉइंट जो है ऑब्जेक्टिव देखो ऑब्जेक्टिव हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दे आर एट टू टेन टू थर्टीन पॉइंट तो थर्टीन पॉइंट्स हम यहां पर कवर नहीं करेंगे हाँ हम आपको बताई देते हैं कि मतलब वट इज मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सिंपल मतलब अगर हम देखेंगे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है फर्स्ट इज बैकग्राउंड एंड सेकेंड आई सेड ऑब्जेक्टिव राइट ध्यान थे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड थर्ड इज द फंडिंग प्रोसेस थर्ड इज ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो इन तीन चीज़ों में जो मतलब डिटेल्ड नोट है वो है ऑब्जेक्टिव्स तो ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा तो ऑब्जेक्टिव्स मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट जो भी हमने डिस्कस किया जो भी पॉइंट जो भी ऑब्जेक्टिव यहां पे हैं दे आर ऑल रिलेटेड विद द हायर एजुकेशन तो इनमें मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है फॉर एग्जाम्पल इंप्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन हायर एजुकेशन में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना है तो यह एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है राइट तो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को फैसिलिटेट करना है नई नई चीजों को लाना है रिसर्च को लेकर क्वालिटी कंट्रोल को लेकर एक्सटेंशन को लेकर एग्जामिनेशन को लेकर जितने भी आपको ईजिल आपको ईजिली समझ आएगा कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव यहां पर है तो ये ऑब्जेक्टिव बेट आप डायरेक्टली नोट्स पे देखोगे पांच छह सात आठ ऑब्जेक्टिव है कोई दिक्कत नहीं मैंने आपको बस कॉन्सेप्ट को क्लियर यहां पर किया है क्योंकि अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स स्पेंडिंग है बेटा इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में अब नहीं जाऊँगा तो मैं हाँ लेकिन कॉन्सेप्ट को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा ये आपसे वादा है लेकिन डिटेल्ड नोट मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता बिकॉज टाइम कम है अभी देखिए बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स को एक्सपेक्टेशन है अभी लाइफ एंड डेवलपमेंट बाकी है से फॉर एग्जाम्पल अभी जेनरिक साइकोलॉजी की बहुत सारे सब्जेक्ट्स गाइडेंस एंड काउंसलिंग आप ही के लिए कर रहा हो ना बेटा तो इसलिए बेटा आप भी खुद मेहनत करो तो, uh, मत शायद डिपेंडेंट पर डिडेंट रूज और खुद भी आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो खुद भी आप पढ़ने की कोशिश करो ठीक है तो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट ऑब्जेक्टिव जितने भी है दस है, बारह है वो बिल्कुल सिंपल है जो भी ऑब्जेक्टिव है दैट आर रिलेटेड फॉर द दे डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हम हायर एजुकेशन को कैसे डेवलप करेंगे इसमें या तो रिसर्च के बारे में आएगा एग्जामिनेशन के बारे में आएगा कॉलेज को किस तरह डेवलप करेंगे एटसेट्रा तो ये सारी चीजें बेटा यहां पर आती है ओके हाँ तो फंडिंग की अगर हम बात करेंगे मैंने आ, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंडिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे फंडिंग कैसे होती है सिंस मैंने आपको ऑलरेडी कहा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आइडिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तो याद रखना बेटा जो स्कीम ऑफ फंडिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट को दर सिक्सटी परसेंट प्रोवाइड करने होंगे हायर एजुकेशन को और स्टेट गवर्नमेंट को फोर्टी परसेंट बिफोर इट वाज़ ये आज का आज का सिक्सटी इज टू फोर्टी है लेकिन इससे पहले सिक्सटी फाइव इज टू थर्टी फाइव था सिक्सटी फाइव इज टू थर्टी फाइव था लेकिन आज कितना है सिक्सटी परसेंट फोर्टी परसेंट यानी सिक्सटी इज टू फोर्टी रेसू है ये वट इज इट मीन सिक्सटी इज टू फोर्टी सिक्सटी इज टू फोर्टी का मतलब है सिक्सटी परसेंट ऑफ द फंड शुड बी प्रोवाइडेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट राइट ओके और 40% परसेंट ऑफ द फंड शुड बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओके बट दियर आर सम स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसमें हमारी जे के भी आता है सिक्किम भी आता है बहुत सारी स्टेट आते हैं और उनको ना रैशो क्या है इनका रैशो क्या है 90 इज टू टेन ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है रैशो अगर हम सिक्सटी इज टू फोर्टी करेंगे ना तो जनरली मतलब फंडिंग स्ट्रेटजी क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट को 60 परसेंट प्रोवाइड करना है और 40 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है किसको प्रोवाइड करना है भाई हायर एजुकेशन को ओके okay. क्यों करना है ताकि हमारी एजुकेशन हायर एजुकेशन डेवलप हो जाए राइट right? लेकिन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज जिसमें जे एंड के सिक्किम एटसेट्रा आता है तो उनके लिए बाई खाली दस परसेंट देना है उन अगर हम जे एंड के स्टेट की बात करेंगे तो हमें जे एंड के गवर्नमेंट को खाली दस परसेंट देना है हायर एजुकेशन को ठीक है और बाकी जो परसेंट है वो कौन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये ये स्ट्रेटजिक फंडिंग आपको याद रखनी है और भी कुछ अगर पॉइंट्स होंगे तो आप वो खुद पढ़ेंगे इनशाला तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई डियर रूसा आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया अगर आप इतना भी लिखते हो तो काफी है बेटा लेकिन ऑब्जेक्टि आप पे आप थोड़ा बहुत खुद मेहनत करो जिस तरह मैंने रमसा में ऑब्जेटि बताए इसी तरह रूसा में भी आप ऑबजेटिव खुद पढ़ोगे बहुत ही सिंपल है बहुत बहुत ही सिंपल है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और हाँ बेटा वंस अगेन इफ यू नी ड माई नोट्स इन ऑर्डर टू इंप्रूव यूर लर्निंग तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं यू कैन गेट द नोट्स देयर ओके आई विश यू ऑल द बेस्ट माई डियर और हाउ माई डियर और एक और एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज शेयरिंग से आप उन मैं उन तक पहुंच सकता हूं जिनको मेरी चैनल के बारे में पता नहीं है तो उनको भी थोड़ा बहुत मदद मिल सकता है थैंक यू मेला ब्लेस यू एंड कीप ऑल इज़ लर्निंग